तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन, डेटा सिलेक्शन। और हमने लास्ट क्लासेस में आपके साथ थ्योरिकल पार्ट देखे थे, साथ में हमने आपको एक वीडियो शेयर किया था जिसको आपको देखना था, इसको प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग करते हैं। आगे भी वीडियो जो आपको मिलते रहेंगे, जैसे से मेन मेन टॉपिक्स होगा, जो टॉपिक क्रिटिकल होगा, मुझे ऐसा लगेगा कि आप सीख नहीं सकेंगे एक बार में, ऐसे टॉपिकों की प्री रिकॉर्डेड वीडियो किसी और बैच की हम आपको दिया करेंगे। बस ठीक है गुजारिश सर। गुजारिश रहेगी कि उसको आप देख लिया कीजिएगा। ठीक है सर। अब यहाँ आपके सामने एक डेटा दिख रहा है। अब हम सिलेक्शन मेथड के बारे में जानेंगे, डेटा को सिलेक्ट करने। अब बोलेंगे सर पहली क्लास में सिलेक्शन क्यों? ऐसा इसलिए कि एक्सेल में आप कुछ भी कीजिएगा, सबसे पहला काम क्या होता है? डेटा सिलेक्शन। अगर आपको कॉपी करना है तो डेटा को सिलेक्ट कीजिए, आपको पेस्ट करना है तो डेटा को सिलेक्ट कीजिए, आपको पिवट लगाना, फिल्टर, एनीथिंग आप अगर करना चाहते हो तो नीड टू सिलेक्शन। तो ये जब बड़ा डेटा होता है तो उसको सिलेक्ट करने में थोड़ी सी टाइम या कभी कभी की प्रॉब्लम होती है, उन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आप माउस से डेटा सिलेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, माउस क्लिक करते हैं और यहाँ पर नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। लेकिन जब आपको ड्रैग ही करना है तो ऊपर आप सिलेक्ट कर ले और शिफ्ट के साथ आप नीचे क्लिक कर। होता क्या है कि आपने कर्सर रखा नीचे क्लिक करते तो कर्सर मूव होता है, लेकिन शिफ्ट प्रेस करते हैं तो कर्सर मूव नहीं सिलेक्ट होता है। तो आप स्टार्टिंग में चले जाए, स्क्रॉल करके एंड में आके और कंट्रोल के साथ इसको क्लिक कर दें। इसके बाद आप जो है नॉर्मली तो कंट्रोल से शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करते ही हैं, लेकिन जनरली लोग करते हैं कंट्रोल ए। कंट्रोल ए इट मीन्स करेंट रीजन में सिलेक्ट ऑल। बहुत सारे लोग सिलेक्ट ऑल भी इस चीज को बोलते हैं। ये क्या करता है, ये हमारे होम मेनू बार के अंदर फाइल एंड सिलेक्ट के अंदर गो टू स्पेशल इसके अंदर करेंट रीजन होता है, इसको ट्रिगर करता है। लेकिन जब कंट्रोल ए करते हैं तो दो चीजों के ध्यान रखिएगा। पहला कि दो बार कंट्रोल ए करते ही अब पूरा का पूरा सीट सिलेक्ट होता है। दूसरा, आपके डेटा में कोई ब्लैंक सी ब्लैंक जो सेल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ब्लैंक हुआ फिर आप सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि ब्लैंक के नीचे का डेटा सिलेक्ट नहीं, चाहे रो ब्लैंक हो या कॉलम ब्लैंक हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आती है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक सलाह आती है कि बहुत जब जब डेटा आप जब बड़े बड़े डेटा कंट्रोल ए करते हो तो एक बार उसको सिलेक्ट जरूर चेक जरूर कर लीजिएगा कि आपका डेटा में कोई ब्लैंक तो नहीं है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम डेटा में फिल्टर लगा देते हैं, पिवट लगा देते हैं, डेटा में ब्लैंक होता है और चेक करते नहीं, वो ब्लैंक डेटा को लेता ही नहीं, समझ गए? इसलिए इस चीज का ध्यान आप रखेंगे। दूसरी ठीक है सर। चीज, चेक कैसे करें कि ब्लैंक है ब्लैंक है, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ डाउन एरो। डाउन एरो क्या करेगा, सबसे लास्ट में जाके रुकेगा, जैसे उसको ब्लैंक मिलेगा ना जाके रुक जाएगा, रुक रहा है सर, तो इससे पता चल जाएगा। लेकिन ये होता क्या है चलिए बताते हैं। इसको हम ब्लू बोलते हैं सीक्वेंस, मतलब कि आप एक एक कर्सर लेके यहाँ पे आते हैं इस तरह से वन बाई वन। अब कंट्रोल के साथ डाउन करेंगे सबसे लास्ट में चले जाए, सीरीज, दो सीरीज को फॉलो करता है, फिल एंड ब्लैंक। जैसे मैं यहाँ पे आऊं और अब मैं कंट्रोल के साथ डाउन एरर करूंगा तो सबसे डेटा के सबसे लास्ट में चला जाएगा, सॉरी डेटा नहीं, सीट के सबसे लास्ट में, जहां तक कि उसको ब्लैंक मिल रहा है वहां तक चला जाएगा। अच्छा, कंट्रोल अप करते हैं, जहां तक उसको ब्लैंक मिलेगा तहां तक ऊपर तक जाएगा, जैसे डेटा मिलेगा कर्सर वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है? तो इससे आप इसका यूज कर सकते हो सबसे लास्ट में जाने के लिए, सबसे लास्ट में। तो ये आपका डाउन हो गया, लेफ्ट राइट अप, इस तरह से उसका आप यूज कर सकते हो। जब कर्सर मूव कर सकते हो तो सिलेक्शन भी कर सकते हो, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, राइट एरो एंड डाउन एरो, क्या किया हमने, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड राइट एरो। तो आपने देखा डेटा सिलेक्ट हो गया पूरा। अब इस ऐसे सिलेक्शन करने से एक और बेनिफिट हो, जैसे कि यहाँ कुछ फालतू में अगर कुछ लिखे हुए हैं तो आपका कंट्रोल ए इस फालतू को भी सिलेक्ट कर देगा,
लेकिन कंट्रोल शिफ्ट एंटर इस तरह से करोगे तो नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, दो और शॉर्टकट होते हैं सिलेक्शंस के। पहला कि आप यहां पे कंट्रोल शिफ्ट एंड, कंट्रोल शिफ्ट एंड सेलेक्ट हो गया, आप बोलोगे सर इसे फालतू में ब्लैंक से लिखो, सिलेक्ट कर लिया। देखिए, एक होता है कंट्रोल शिफ्ट एंड, एक होता है कंट्रोल शिफ्ट अप, कंट्रोल शिफ्ट अप। तो आप लिखे होम, माफ कीजिए, होम होम, कंट्रोल शिफ्ट होम एंड, ये आपका होम करोगे तो एंड टू होम हो जाएगा, अप हो जाएगा, और एंड करोगे तो स्टार्ट टू एंड हो जाएगा। लेकिन यूज्ड सेल, जितना सेल आपने यूज किया है, चाहे ब्लैंक हो चाहे डेटा हो, आपने उसको यूज किया है उसको जरूर सिलेक्ट करेगा। लेकिन आपने यूज नहीं किया, जैसे देखिए C21 पे हमने यूज नहीं किया है, तो कंट्रोल शिफ्ट एंड अगर हम करते हैं तो हमारा पूरा डेटा ही सिलेक्ट होता है। मतलब सर, अब सोच रहे होंगे सर इतने सारे शॉर्टकट बता रहे हैं, याद होगा नहीं होगा, वरना कहीं लिख लूं, या बहुत सारी चीजें से बोलेंगे, तो इसकी जरूरत नहीं है। आप यहाँ शॉर्टकट पे जाएं, यहाँ देखिए इस सीट पे मैंने सारे शॉर्टकट मेंशन किए हुए हैं, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझे डाउट्स में। राइट सर, राइट सर, राइट। और सर ये गो टू स्पेशल गए थे, वो कहाँ गए थे जब आपने कहा था ये यहाँ? गो टू स्पेशल था यहाँ होम के सबसे लास्ट टॉपिक, फाइंड एंड सिलेक्ट, इसके अंदर गो टू स्पेशल, इसका शॉर्टकट कंट्रोल जी है, ओके सर, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीपल सेल सिलेक्ट करने की। जैसे मुझे कुछ कुछ सेल सिलेक्ट करने हैं, तो आप कंट्रोल को होल्ड करें और कुछ कुछ सेल जो भी सिलेक्ट करना है उसको क्लिक करें, क्लिक करके आप सिलेक्ट कर लें, क्या कर लें, क्लिक करके सिलेक्ट कर लें। लेकिन ध्यान रखें इसको आप कॉपी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बाकी कलर वलर डिलीट डिलीट जो करना है कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर कॉपी नहीं कर पाएंगे, कॉपी कर सके ऐसा कुछ कर, तो कॉपी कर सके इसके लिए आपको सिक्वेंसली सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने अगर A2 सिलेक्ट किया तो बाकी कॉलम के भी सिर्फ A2 ही सिलेक्ट होगा, अब मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। लेकिन मुझे एक से ज्यादा करना है, मुझे 1 से 5 करना है, तो 1 से 5 अगर एक कॉलम में किए हो तो बाकी दूसरे कॉलम में अगर करना है तो 1 से 5 ही सिलेक्ट होगा, ठीक है। अब मैं कॉपी कर सकता हूँ, तो सीक्वेंस अगर है तो आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप अलग अलग कॉपी करोगे, लेकिन यहीं पे पेस्ट करोगे तो पेस्ट इकट्ठा होगा, अलग अलग नहीं होगा, इकट्ठा होगा। अच्छा सर, अब सेम चीज शीट्स पे भी कर सकते हो कि मेरे पास कई सारे शीट्स हैं यहाँ पे, और मैं चाहता हूं कि एक ही साथ सारे शीट पे डेट लिखना। तो जनरली लोग क्या लिखते हैं, एक सेल पे टाइप करते हैं, कॉपी करके बाकी जगहों पे पेस्ट 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 पेस्ट, पेस्ट कर देते हैं, यही करते हैं ना। आप यहां कर सकते हो कि मैं शिफ्ट के साथ सबसे पहले पहले पहले, पहले शीट पे क्लिक करूंगा और शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाले शीट पे क्लिक करूंगा, इससे क्या होगा पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी, और देखिए ग्रुप भी लिखा हुआ आ गया टाइटल। अब मैं कुछ भी करूंगा सारे शीट पे होगा, जैसे मैंने यहाँ पे डेट टाइप किया, डेट, और इसके बगल में मैंने डेट डाल दी, ये टाइम आ गया, माफ कीजिएगा, हाँ डेट डेट डाल दिया। अब देखिए शीट 4, शीट 5, शीट 6, शीट 7, सब पे डेट दिख रहा है, राइट सर। ये ग्रुप कैसे बनाया था हमने? शिफ्ट के साथ क्लिक किया था, स्टार्टिंग में क्लिक किया और शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट पे क्लिक किया, बीच का सारा ग्रुप हो गया। सेम उसी तरह से कि आप यहाँ क्लिक करते हो, शिफ्ट के साथ यहाँ क्लिक करते हो, तो इस तरह सिक्वेंसली सारे सेल सिलेक्ट हो जाते हैं ना, उसी तरह से शिफ्ट सीट भी सिलेक्ट हो जाती ओके सर। है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर अगर ठीक है, मैं कुछ कुछ सीट सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने इस पे क्लिक किया, हमने इस पे किया और इस पे गया, किसके साथ, कंट्रोल के साथ, हमने कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करना शुरू कर दिया, समझे। तो राइट सर, राइट।
ये देखिए सारे सीट हमारे सिलेक्ट हो गए। अब मैं जो भी करूंगा काम इन्हीं 3 सीट पे काम होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा टाइम और यहाँ पे टाइम दे दिया, यहाँ पे टाइम दे दिया। तो अब देखिए सीट 4, सीट 1, सीट 5 पे आ गया, सीट 6 नहीं है, सीट 7 दिख रहे ना आपको, सर राइट सीट सर, सेवन राइट. नहीं हुआ। ठीक है बिल्कुल सही. अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो सिलेक्शन समझ में आ गई। हाँ जी सर. अब यहाँ पे शॉर्टकट्स है, आप इन सारी चीज को एक बार शॉर्टकट को देख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर ठीक तो है शॉर्टकट आपने बता दिया, लेकिन सारे शॉर्टकट कहाँ मिलेंगे, पूरी शॉर्टकट। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ ऊपर सर्च बार दिख रहा है ना, इसमें शॉर्टकट टाइप कीजिए। शॉर्टकट टाइप करते ही यहाँ पे आ गया शॉर्टकट, दिख रहा है सर, यस कीबोर्ड शॉर्टकट इन विंडो, और एक और अगर कीबोर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल। ठीक है, क्लिक कीजिएगा, क्लिक करते हैं आपका यहाँ पे खुल के आ जाएगा पूरा शॉर्टकट, दिख रहा है। अब बात करते हैं कि हम डेटा टाइप कैसे करेंगे। सबसे पहले अब ध्यान रखिएगा कि किसी भी सेल में अगर वो टेक्स्ट टाइप करे, मैं अपना नाम ही टाइप करता हूँ यहाँ पे कि सुजीत एंड कुमार, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको सुजीत कुमार दिख रहा है तो ये बोलेंगे सर यहाँ बी में चला गया, तो बी का पार्ट नहीं हुआ। यहाँ पे एक सेल के अंदर जैसे बॉक्स होते हैं ना, बॉक्स के अंदर टाइप होते हैं। अगर बॉक्स से बाहर जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपका, क्योंकि अभी दिख रहा है क्योंकि बी पे वैल्यू नहीं है, बी पे वैल्यू देंगे बी पे आपका नहीं दिखेगा। तो इसमें एक्चुअली सुजीत कुमार ऑलरेडी टाइप हो चुका है, बस विजुलाइज नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा एक खाने के अंदर मतलब एक बॉक्स के अंदर सेल के अंदर जो टाइप करोगे वो रहेगा, चाहे वो दिखे चाहे नहीं दिखे, पहले चीज। दूसरी चीज, जब भी हम कुछ टाइप करते हैं, अगर हमने नंबर टाइप किया तो बाय डिफॉल्ट वो हमारा राइट की तरफ चलाता है, और टेक्स्ट टाइप करते हैं तो आपका लेफ्ट की तरफ। और कभी भी किसी भी नंबर के साथ अगर आपने टेक्स्ट टाइप किया तो ये टेक्स्ट होगा। इससे बेनिफिट, इससे नुकसान क्या होगा कि इसके ऊपर आप किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें यहाँ पे MRP 1500 शो करना है तो करना है, पर प्रॉब्लम ये है कि मैं टाइप सिर्फ 500 करना चाहता हूँ, 500। क्यों? क्योंकि अगर मैंने MRP 500 किया तो फिर इसके ऊपर कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ इसके ऊपर कैलकुलेशन को भी करना। तो इसके लिए हम फॉर्मेटिंग का सलाह लेते हैं, क्योंकि फॉर्मेटिंग ही ऐसी है जो विजुलाइज को, ओरिजिनल को चेंज किए हुए विजुअल देता है। जैसे मैंने यहाँ कस्टम फॉर्मेटिंग में आया और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने लिख दिया MRP, क्योंकि MRP एक टेक्स्ट है और कहीं भी टेक्स्ट है, एक्चुअली किसी फीचर में टेक्स्ट अगर डालते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही डालना होता है। और यहाँ पे एक 0 दे दिया, 0 जरूरी है, 0 अगर नहीं देते हैं तो आपका नंबर शो नहीं होगा, तो 0 इज इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे ओके करके एंटर मारा तो देखिए MRP 1500, बिकली एक्चुअली में ये 500 ही क्या है, 500 है, बट विजुअल हो रहा है MRP 1500। ठीक है, और ठीक इसके है सर. ऊपर हम कोई भी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है सर? बहुत बढ़िया सर. ठीक है सर. दूसरा कि आप कभी भी 0 के साथ नंबर नहीं लिख सकते, 0 नहीं लगेगा। अगर जरूरत पड़ी तो आप सिंगल कोट लगाएं और फिर इसके अंदर साथ लिखें। ठीक है, नंबर लगा, मान लीजिए कोई मोबाइल नंबर आप लिख रहे हो या कोई नंबर लिख रहे हो उसके साथ कॉमा लगा रहे हैं, कॉमा लगाया आपने, तो याद रखिएगा ये गलत हो जाएगा आपका, आपका 15 डिजिट होगा उसके बाद इस तरह से हो जाएगा। तो एक चीज करना कि जब भी आप लिखना तो दो चीजें, या तो सिंगल कोट लगा के लिख लो या फिर नंबर लिखते समय
स्पेस दे दीजिए, स्पेस के साथ कॉमा दे दीजिए, ओके तो फिर आपका काम बन जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, और एमआरपी का जो आउट क्या क्या दे सकते हैं, हम आपको ये अगली क्लासेस में समझाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि डेट लिखने का, जो आपका डेट, पहले आप डेट लिखने से पहले डेट का ये देखिए कि फॉर्मेट क्या है यहाँ पे डेट का फॉर्मेट। तो मेरा डेट का फॉर्मेट जो है वो है DDMMYY, पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर। और आपका होगा MMDDYY, तो पहले मंथ फिर डेट। जैसे आज का डेट अगर मुझे लिखना है तो मैं 26/12 दूंगा। और ईयर देने की जरूरत नहीं है, कब, जब आपका करेंट ईयर या फ्यूचर ईयर का डेट हो तो। समझ गए, ठीक है सर। अब दूसरा यहाँ पे आता है कि अगर आपका, अगर ये हुआ DDMM हुआ, MMDD हुआ, तो पहले 12 देन 26 लिखो। लेकिन मेरा सिस्टम ये सब गलत करेगा, 26 ले लिया, देखिए। अब बात करते हैं टाइम की, तो टाइम में भी सिंपल है। जैसे अभी का टाइम डालना है 7 बज रहा है, तो यहाँ पे आप 7 का डाल दीजिए, 7 बज गया। लेकिन मुझे शाम के 7 का डालना है, तो आपको यहाँ पे PM कंसीडर करना होगा। अगर PM नहीं डालेंगे तो बाई डिफॉल्ट AM को ही ले लेगा, या फिर ओके सर, 18 घंटे का जो शेड्यूल होता है, सॉरी 24 घंटे का जो मेथड होता है वो डालिए। जैसे 19 बज डाल दिया हमने, 19 बज के 20 मिनट, 7:20 गए हो, ठीक है। और टाइम दिख जैसा रहा है, आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग टाइम के अंदर जाके नंबर फॉर्मेट में अपनी फॉर्मेटिंग ले सकते हैं, जैसा मुझे दिखाना चाहे दिखा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, राइट सर, राइट। तो सर ठीक। ये जो मतलब अगर मेरा जैसे लैपटॉप में है मंथ डेट ईयर है, तो मुझे हमेशा जब भी तारीख लिखनी है पहले मंथ लिखना होगा। जी हाँ, अगर कंफ्यूजन है तो इस तरह से लिखिए 26 दिसंबर 2022। अभी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या डेट होगा, 26 दिसंबर क्लियर है, यहाँ वैसे ही लिखिए, ठीक है, क्लियर है, ठीक है सर, बिल्कुल। अब हम टाइप कर लिए, अब बात करते हैं फॉर्मूला एंड रेफरेंसेस की। देखिए एक्सेल के अंदर में ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड पावर, ये पावर है, ठीक है। जैसे 10 10 पावर 2 कर दिया तो 10 × 2 करके 100 कर देगा, ठीक है। अगर से ये नंबर्स है, मुझे इस पे 20 ऐड करना है, तो हम इक्वल इसको सिलेक्ट करेंगे बीट A2। A2 को सिलेक्ट करने से क्या फायदा हुआ कि अगर इसे +20 करते हैं तो A2 के साथ कनेक्टेड हो गया। हालांकि मैं यहाँ पे इक्वल 90+20 भी कर सकता था, बट जब मैं यहाँ वैल्यू चेंज करता तो ये अपने आप को चेंज नहीं करता, इसलिए हमने क्या किया, इसको +20 किया, ताकि अगर के डेट में कोई भी चेंज करूंगा तो अपने आप को चेंज कर लेगा। और जब भी फॉर्मूले को नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ लेफ्ट राइट ड्रैग करते हो, वो अपने अनुसार से अपना सेल इंक्रीज डिक्रीज करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए A2 हो गया A3, अगर ऊपर करूंगा तो A2 हो जाएगा A1, आगे करूंगा तो A हो जाएगा B, ठीक है, इस तरह से तो इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों करता है। इससे फायदा क्या होता है कि एक सेल पे फॉर्मूला लगाइए और नीचे लेके ड्रैग कर दे। आप सोच लीजिए कि आपको हर सेल पे फॉर्मूला अलग अलग लगाना पड़ता, कितना ज्यादा टिपिकल हो जाता ना सर, समझ गए, समझ गया सर। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब मुझे किसी और सेल का रेफरेंस देना है, जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल इसको लिया और +20 ले लिया। अब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो A2 अगर A3 होगा तो B1 का D2 होगा, अब ये प्रॉब्लम हो गई क्योंकि ये तो फिक्स है, तो आपको यहाँ 1 के आगे डॉलर साइन लगाना होगा, क्योंकि मैं ड्रैग टॉप टू डाउन कर रहा हूँ, इसलिए 1 के आगे डॉलर लगा दिया ताकि नंबर 1 फिक्स रहे, जिसको आप एब्सोल्यूट रेफरेंस या फ्रीज कहते हैं, हाँ बोल चाल में, ठीक है। तो हर जगह पे क्या होगा, ये D1 होगा, लेकिन मैंने सिर्फ 1 के आगे डॉलर लगाया है, तो मतलब कि जब मैं लेफ्ट टू राइट ड्रैग करूंगा तो D हमारा E हो जाएगा। D1 आपका फिक्स रखना है कि D1 फिक्स है, कहीं भी ड्रैग हो तो
आप जीवन में बीच का एक भी डॉलर लगाना होगा, तब ये फिक्स हो जाएगा। जब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे कि या राइट में ड्रैग करूंगा तो डी हमारा हमेशा फिक्स रहेगा। अगर इसके एक एग्जाम्पल में समझते हैं, और मेरे पास कुछ नंबर्स है, मुझे इसका टेबल क्रिएट करना है। क्या करना है? टेबल पहाड़ा आता। तो जैसे मैंने यहां पे लिया मल्टीप्लाई, यहां पे लिया, ठीक है। अब मैं नीचे ड्रैग कराया तो ये आ गया। अब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 5 3 15 नहीं आएगा, ये 13 हो गया, क्योंकि 5 इंक्रीज होकर 10 हो गया, ठीक है ना सर। तो मैं चाहता हूँ मेरा 5 जो है, मतलब कि जो ए आपका ए है D12, वो हमेशा फिक्स है, तो 12 के आगे का डॉलर लगा दिया। अब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो क्या होगा? ऑप्शन हो गया। लेकिन जब राइट पर ड्रैग करूंगा दिक्कत क्या होगा कि 7 10 जा गया, 7 2 जा नहीं आया, क्योंकि हमने इसको फ्रीज नहीं किया था। बट ए जो है हमारा DE हो गया, तो सही था, सही करना था हमें, क्योंकि 5 के बाद 7 लेना है तो इंक्रीज होना ही है। तो यहाँ ड्रैग करने से पहले हम सी के आगे डॉलर का साइन लगा दें। ओके, अब इसके तरफ ड्रैग करें तो देखें यहाँ पे आ गया, समझे सर। राइट सर, राइट। और अब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा, ये थी हमारी आज का क्लासेस, ठीक है। अब प्रैक्टिस, अब बाकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके अलावा एक चीज और करना, ये आपको कैश मेमो बनाना है एक्सेल, ठीक है। और इसमें अमाउंट कैलकुलेट करना है, क्वांटिटी मल्टीपल रेट वगैरह करना है। कल की क्लास में बात करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है, कैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हम फॉलो करेंगे। ये फाइल आज 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 की रिकॉर्डिंग तो आपने कर ही ली है, तो रिकॉर्डिंग भेजने की जरूरत नहीं है, फाइल आपको भेज देता हूँ सर।